गुना और शिवपुरी से भाजपा सांसद केपी यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। विवादित बयान में केपी यादव एक महिला कलेक्टर के खिलाफ कुछ अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराकर सांसद बने केपी यादव का एक विवादित बयान सामने आ रहा है। जब महिला कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो केपी यादव द्वारा अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया और उन्होंने कहा कि वो पूर्व सांसद का चरण चुंबन करने के लिए गांव-गांव पहुंच जाती थी। जी हां, केपी यादव ने इन शब्दों का उपयोग महिला कलेक्टर के लिए किया जब वो ज्ञापन लेने नहीं पहुंची। केपी यादव अशोकनगर में ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर प्रदर्शन किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन को राज्यपाल के नाम कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा को वो ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन जब वहां सांसद पहुंचे और कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आई तो सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद का चरण चुंबन करने के लिए कलेक्टर गांव-गांव पहुंच जाती थी और उनके ही इशारों पर परिसीमन किया गया है, लेकिन अब ये ज्ञापन लेने नहीं आ रही है। केपी यादव द्वारा इस विवादित बयान के बाद काफ़ी घमासान मचा हुआ है और लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और फिलहाल केपी यादव का ये विवादित बयान काफी वायरल हो रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।